लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। यहां 144 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। 14 में 13 सीटों पर भाजपा और एक कांग्रेस के पास है। सुबह से मतदान स्थलों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखी जा रही है। वहीं डीएम सूर्यपाल गंगवाल मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाता को व्हीलचेयर पर मतदान स्थल ले जाते हुए दिखाई दिए। वो दिव्यांग को मतदान केंद्र तक लेकर गए और मतदान का प्रयोग कराया। आज 20 मई को सुबह 7 बजे से 3768 बूथों पर मतदान प्रारंभ हुआ है। ये शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। सभी वोटर्स से मैं अपील करता हूं कि अपने घरों से निकलकर अपने बूथ पर जाएं। जो वोटर पर्ची आपको भेजी गई है या आपने voters.eci.gov.in पर जाकर उसको डाउनलोड किया है, जिसमें आपके बूथ के और वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर की जानकारी है, उसे लेकर और अपने साथ एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो एपिक होता है, वोटर कार्ड होता है, अगर वो नहीं है तो 12 अन्य दस्तावेज हैं, उनमें से आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, इनको लेकर आप